हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल 24 वाले नीरज ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं हूँ नीरज और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि नोकिया फ़ोन नहीं भैया, ये बात बताने जा रहा हूँ मैं आईफोन की दीवानों के लिए। एंड्रॉयड नहीं बात करूँगा, फिलहाल बात कर रहा हूँ iOS। एंड्रॉयड के अलावा थोड़ा सा अपन एक स्टेप आगे जाते हैं जो कि सब लोग आजकल दीवाने हैं उस चीज़ के, क्रेज है बहुत ज़्यादा। आईफोन 10 किस किस को पसंद है? मुझे तो है भाई, आईफोन 10 वैसे बहुत से लोगों को पसंद होगा। तो उसी तरीके का अगर उतना ज़्यादा बजट नहीं है तो कम बजट में एप्पल लेके आ रहा है SE2। जी हाँ, वैसा ही स्क्रीन, वही सारे फीचर, बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहेगी छोटी सी, वो अपन सारी बात करेंगे डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ एक बार कि आईफोन SE अभी लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने वाला है नवंबर 20 के आसपास में, यानी कि 20 नवंबर के आसपास में वो लॉन्च होने की बात चल रही है, जिसकी प्राइस एक एक्सपेक्टेड मानी जा रही है कि तकरीबन 26,990 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये के आसपास उसकी प्राइस रह सकती है। तो भैया जी, है क्या चीज़ इसमें? आईफोन का जो इसमें वर्जन दिया गया है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो दिया गया है वर्जन 10, यानी कि 10 ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। 32 GB इसमें स्पेस दिया गया है, वो थोड़ा सा कम है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। आपको पता है आईफोन में मेमोरी कार्ड नहीं डलता है, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली चीज़ रहेगी। प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें प्रोसेसर दिया गया है क्वाड कोर 2.34 GHz का, इसमें प्रोसेसर दिया गया है 4.5 GHz, इसमें स्क्रीन है 12 MP का, इसका फ्रंट कैमरा है, 1750 mAh की बैटरी है, 810 चिप है, और जो इसमें पिक्सल क्वालिटी दी गई है वो दिया गया है 290 PPI, यानी कि 290 PPI इसमें पिक्सल क्वालिटी दी गई है। 12 कलर LED फ्लैश दिया गया है, नॉन रिमूवेबल बेस में बैटरी है, 2 GB रैम, IPS LCD स्क्रीन है और 1.2 MP का फ्रंट कैमरा है। इसकी डिटेल में अपन बात करेंगे अभी। तो मोटी मोटी चीज़ें देखने के बाद भी इसका रिव्यू ये रहता है कि भैया फ़ोन ठीक है, आईफोन वो 1.2 MP का कैमरा बहुत दिनों से चला आ रहा है, वही चीज़ चल रही है फ्रंट कैमरा में, अभी तक भी वही चल रहा है। और 12 MP का जो बैक कैमरा दिया गया है, यानी कि जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है, वो 12 MP का है, जो कि बहुत शानदार है। स्क्रीन की बात करें तो इसमें 290 PPI, यानी कि आज के टाइम में अगर बात करें तो पिक्सल क्वालिटी करीबन 800 अबव जा रही है, तो देखा जाए तो ये थोड़ा कम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये रह गया है। दूसरी चीज़ बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो भैया जी बैटरी जो है वो 1750 mAh की है, कि एप्पल फ़ोन को 1750 mAh बैटरी में आपको दिन में, आई थिंक अगर आप YouTube के दीवाने हैं म्यूजिक प्लेयर्स के, तो गाना ही आपका चलेगा नो प्रॉब्लम। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो 1750 mAh बैटरी ज़्यादा सही नहीं है आप लोगों के लिए। कि अगर बात करें तो 3,000-4,000 mAh की बैटरी आ रही है, वो भी यार दिन में 2 बार चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। वो चीज़ दिया गया है कि एप्पल इसको नवंबर 20 के आसपास में लॉन्च करने की बात बता रहा है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि 20 को ये लॉन्च होगा कि नहीं। प्राइस की बात मैंने आपको बता दी, 26,990 रुपये, यानी कि तकरीबन 27,000 रुपये मान के चलिए आप, टैक्स वैक्स लगेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका प्राइस। आईफोन SE 2 वर्जन है, डुअल सिम इसमें नहीं है भैया, क्योंकि सिंगल सिम ही लगेगी, GSM 4G सपोर्टेड नैनो सिम। ये तो इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन की बात होगी कि 4G सपोर्ट करेगा, नैनो सिम कार्ड इसमें डलेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, 4.5 इंच इसका स्क्रीन डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले जो है वो 4.5 इंच का दिया गया है। 4.5 इंच आज के टाइम में 6 इंच तक का डिस्प्ले चल रहा है, बट 4.5 इज बेटर, मुझे सही लगता है, क्योंकि ठीक है यार, एक नॉर्मली स्क्रीन को आप उसको फ़ोन को हाथ में कवर कर सकते हो, 6 इंच स्क्रीन काफ़ी बड़ा हो जाता है पॉकेट में डालने में भी, आप कैरी करने में, मान लीजिए एक्सटर्नल, आपको यू मान के चले कि आपको एक्सटर्नल कुछ चाहिए उसके लिए, उस चीज़ को कैरी करने के लिए ऐसा कुछ। तो हाँ, स्क्रीन रेजुलेशन की बात मैं आपको बताना भूल गया था कि वो है 640x1136 pixels, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं बता सकते इसको कि बहुत ज़्यादा सही है, बट ठीक है, ओवर एन एवरेज उसी के अकॉर्डिंग 290 PPI जो दिया गया है वो भी सही है, क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो स्क्रीन का रेजुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 290 PPI भी ठीक है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, जिसमें मल्टी टच भी सपोर्ट करता है, जूम करना है, स्लाइड करना है, ये सब मल्टी टच में आ जाते हैं, मल्टी टच फीचर्स। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 810 इसमें फ्यूजन चिप दिया गया है, 2.34 GHz प्रोसेसर, 64 बिट इसमें ये प्रोसेसर का यानी आर्किटेक्चर जो है वो 64 बिट का है, 2 GB रैम। और ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें दिया गया है पावर VR GT 7600+, ये इसमें ग्राफिक कार्ड दिया गया है, ग्राफिक कार्ड का आजकल बड़ा क्रेज़ है,
और सही दिया गया है, ग्राफिक कार्ड ज़रूरी भी है देना, तो गेम खेलने के दीवाने आजकल सब लोग होते हैं, कौन गेम नहीं खेलता, कोई गांव बसाता है तो कोई कुछ करता है, बहुत सारे गेम चल रहे हैं इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा मस्त मस्त ऑनलाइन भी प्ले करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए तो ग्राफिक कार्ड इसमें दिया गया है 2 GB RAM के साथ में एप्पल में। ये भी बहुत अच्छी खूबी दी गई है कि 2 GB RAM बहुत सही है। स्टोरेज की बात करते हैं, 32 GB स्टोरेज इसमें दिया गया है जो कि फिक्स है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, कोई कार्ड नहीं डलेगा, कोई स्लॉट नहीं है, कुछ नहीं, नॉन रिमूवेबल इसमें बैटरी दी गई है। तो अब मतलब एक देखें तो आज के टाइम में ये चाहिए कि यार मेमोरी कम से कम, आप अगर पता कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो 32 GB तो खटा 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 गया, लो पिक्चर क्लिक किया हो गया खत्म। आप क्योंकि पिक्चर क्वालिटी भी ठीक आती है आजकल, अच्छी क्वालिटी कैप्चर करते हैं कैमरा। तो चलिए इसमें कैमरा की बात आ रही है तो मैं आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन ही इसका बता देता हूँ कि कैमरा क्या है इसमें। 12 MP का इसमें प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो कि बहुत सही कैमरा है 12 MP। एप्पल के कैमरे की बात करें तो बहुत ज़्यादा सही आता है, कि नोकिया मैं जो ट्रस्ट करता हूँ वो नोकिया का कैमरा और एप्पल का कैमरे पर ट्रस्ट करता हूँ। भैया कैमरा जो उसमें लिखा हुआ होता है ऑलमोस्ट यू मान के चलता हूँ कि 99.99% वही क्वालिटी मिलती है जो उसमें लिखा हुआ है। अदर फोन ब्रांड पे मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता कि वो लोग जो लिख रहे हैं कि भैया इसमें 20 MP कैमरा, यार 20 MP DSLR में पिक्चर क्वालिटी आती है, उसका पिक्चर क्वालिटी आप कैमरे की मोबाइल की इसमें क्वालिटी से मैच करके देखेंगे तो 1000 गुना डिफरेंस मिलेगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन नोकिया का 1.2 MP भी बहुत ज़्यादा सही होता है और iOS का भी, इन दो पर मैं बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा सही। इसमें ऑटो फोकस है, फेस डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है, डुअल LED फ्लैश दिया गया है, इमेज रेजोल्यूशन जो दिया गया है वो 4608 यानी 4608x2592 यानी 2592 पिक्सल को दिया गया है। पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, 12 MP के अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही आएगी। इसमें सेटिंग में ISO कंट्रोल कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें जनरल जो होती हैं SDR ये सब, कैमरा फोकस ये सब, फेस डिटेक्शन है, टच फोकस है, वो सारी चीज़ें। भैया वीडियो रिकॉर्डिंग में इसमें बहुत ज़्यादा खास चीज़ दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग में दिया गया है कि आप 30 फ्रेम पे सुपर HD मान के चलो, जैसे HD से आप थोड़ा सा ऊपर एक और जिसमें रहेगा 3840x2160 पिक्सल क्वालिटी, जिसमें 30 फ्रेम 1920x1080 में रहेगा आपका 120 फ्रेम, यानी HD रिकॉर्डिंग आप 120 फ्रेम पर सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप आते हैं YouTube क्वालिटी में यानी 1280x720 क्वालिटी में आते हैं आपको रहेगा 240 फ्रेम पर सेकंड, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्लो मोशन देख सकते हैं, यानी मज़ा आने वाला दोस्त, बहुत ज़्यादा सही है ये चीज़। 1.2 मेगापिक्सल का जो इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, इसमें रेटिना फ्लैश भी दिया गया है और साथ में 1280x720 में 30 फ्रेम पिक्चर फ्रेम क्वालिटी में ये रिकॉर्ड कर सकता है। 1750 mAh की इसमें बैटरी दी गई है जो कि नॉन रिमूवेबल है, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी इस फोन के अकॉर्डिंग, आपको कैरी करना पड़ेगा भैया पावर बैंक साथ में जरूर से, जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से आई थिंक करना पड़ेगा। और चलिए नेटवर्क स्पेसिफिकेशन की बात है तो 4G सपोर्टेड है, 3G चलेगा तो 2G चलेगा, बिंदा चलना है वो चीज़। तो वाईफाई का जिसमें वर्जन दिया गया है वो दिया गया है 802.11 और वाईफाई फीचर्स मोबाइल हॉटस्पॉट है साथ में। इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 4.2 इसमें ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है, GPS है, गैलनोज है, NFC भी सपोर्ट करता है और USB कनेक्टिविटी 2.0 की है, लाउड स्पीकर है, 3.5 mm का ऑडियो जैक इसमें सपोर्ट करेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, अदर सेंसर जो लाइट सेंसर है या कंपास वगैरह ये सारे फीचर्स तो साथ साथ में मिलते ही हैं जो सब फ़ोन में मिल रहे हैं, बाकी एडिशनल फीचर्स जैसे कि सेंसर्स तो वो आपको सेंसर मिल जाएंगे। फाइनली सारी चीज़ को देखते हुए एप्पल के बारे में यही कहेंगे कि भैया ठीक है, 27,000 की रेंज में आपने ये फ़ोन निकाला है जिसकी इसकी स्क्रीन जो है वो आप स्क्रीन पे अभी वीडियो स्क्रीन पे आप देखेंगे कि ये देखिए ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है इसका स्क्रीन बहुत ज़्यादा सही दिया गया है, यानी कि आईफोन 10 के अकॉर्डिंग वैसा ही डिज़ाइन किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा भैया टेक्निकल चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ खास एक अलग मोबाइल के लिए लेके आ रहा हूँ वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए।